Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अरे घबरा गए क्या? ये तो चिल्ड्रन बैंक वाले नोट है भाई साहब. असली नोट होते तो इनसे चेयर थोड़ी ना साफ करती मैं. इसी बात पे ना मैंने एक शायरी लिखी है अभी अभी, वो मैं आपको सुनाती हूँ. अर्ज किया है और आप इरशाद करना बिल्कुल मत भूलिएगा. रॉक्स सी शेल्स मेटल्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है अपना सोना. ध्यान दीजिएगा, रॉक्स सी शेल्स मेटल्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है अपना सोना. पेपर मनी के बारे में सीख लो यार, बाद में ना आ जाए आपको रोना. वाह 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 वाह, अब सोना और रोना ही राइम कर रहा था तो मैंने ये लिख दिया. ऑन दैट नोट, गोल्ड स्टैंडर्ड अडॉप्ट करके सबको रोना जरूर पड़ा था और इस एपिसोड में हम समझेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड आखिर अबॉलिश करना क्यों पड़ा, पेपर मनी कैसे आया, सेंट्रलाइजेशन कैसे प्रमोट हुआ और क्या ये मॉनेटरी सिस्टम हमारे लिए बेस्ट है. हेलो जी, हाय, नमस्ते, दिस इज़ रिया यादव और चलिए हिस्ट्री ऑफ मनी समझते हैं, तो शुरू करते हैं. अच्छा तो बच्चों, लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि वाई गोल्ड वन द कॉम्पिटिशन. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यार जल्दी से दौड़ के जाओ देखो. मैं तो नहीं दौड़ सकती हूँ तो मैं इधर ही हूँ. अब पैसे चाहे सी शेल्स हो, मेटल कॉइन हो, एक पेपर का टुकड़ा हो या कंप्यूटर के कुछ कोड्स, उसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती. उसका वैल्यू डिपेंड करता है लोग उसे कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. गोल्ड ने अपनी इम्पोर्टेंस तो एस्टैब्लिश कर ली थी फॉर डिफरेंट रीजंस, मगर उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करने में कुछ इश्यूज आ रहे थे. बाटा सिस्टम से शिफ्ट होने का सबसे बड़ा फायदा था द इंक्रीज्ड स्पीड एट विच बिजनेस कुड बी कंडक्टेड, क्योंकि अब लोगों के पास ड्यूरेबल एंड पोर्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू था. कोई भी काम बड़ी आसानी से और जल्दी से करवाया जा सकता था. वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, 2021 में दुनिया का सबसे पुराना करेंसी मिंटिंग साइट खोजा गया था. दिस फैसिलिटी वॉज लोकेटेड इन 640 BC अराउंड गोंजोंग इन हेनन प्रोविंस चाइना. तब के जमाने में स्पेड कॉइन्स बनते थे. स्पेड कॉइन्स जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, वॉज वन ऑफ द अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी यूज्ड इन चाइना. दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स ऑफ मेटल कॉइन्स देन. आपको पता है पहला गोल्ड कॉइन कब और कहाँ माइन किया गया था? वेल, ये हुआ था लिडिया में, जो कि मॉडर्न डे टर्की में है. द लास्ट लिडियन रूलर क्रोएसिस, या यू कैन स्पेल इट एज CROESUS, मिंटेड द फर्स्ट एवर गोल्ड कॉइन. पर फिर धीरे धीरे लोग पेपर मनी में ट्रांजिशन करने लगे रादर देन यूजिंग फिजिकल गोल्ड कॉइन्स. अब चाइना इसमें भी पीछे हटने वालों में से थोड़ी ना था. रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पेपर मनी पहली बार 7th century AD में यूज किया गया इन चाइना. ये इसीलिए किया गया क्योंकि ढेर सारे मेटालिक कॉइन्स को कैरी करना हैवी और कम्बरसम होने लगा था. आप ही सोचो, अगर आपको एक बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन करनी है तो आप हाई डिनोमिनेशन वाले नोट्स में करना चाहोगे उसको, या फिर एक बैग फुल ऑफ कॉइन्स में. पर तब भी यूरोप के कुछ पार्ट्स में मेटल कॉइन्स ही यूज हो रहे थे एंड दिस लास्टेड अंटिल द 16th century. जब यूरोप दुनिया के दूसरे हिस्सों में कॉलोनियल एक्विजिशन करने लगा, उनको और भी प्रेशियस मेटल्स मिलने लगे जिनके यूज से वो और भी नए नए कॉइन्स मिंट करने लगे. यूरोपियन गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार अपना पेपर करेंसी नॉर्थ अमेरिका में किया. वेट, अब कहोगे कि नॉर्थ अमेरिका इज नॉट इन यूरोप ब्रो. वेल, तब के टाइम पे इट वॉज अ यूरोपियन कॉलोनी एज वेल. यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज में जो ट्रेड होता था उसको कंडक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता था एंड कॉलोनीज कई बार वुड रन आउट ऑफ कैश. Rather than going back to the barter system, the colonial governments introduced what is called an IOUs. IOUs basically एक document है जिसका मतलब है IOU. ये एक informal agreement की तरह काम करता है between two parties. ये पहली बार Canada में exchange किया गया था. बेटे क्या आपको पता है NFTs 17th century से हैं. मतलब पूरा NFT नहीं, मगर थोड़ा NFT. NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन, जो रियल वर्ल्ड आइटम्स जैसे आर्टवर्क, रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. अब NFTs डिटेल में क्या होते हैं वो देखने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा.
तो ये वीडियो देख के आए, मैं तब तक इधर ही हूँ। अच्छा, तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। 1685 में फ्रांस के गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स को प्लेइंग कार्ड्स इशू किए जिनमें गवर्नर का सिग्नेचर भी था, टू यूज़ देम एज कैश इंस्टेड ऑफ कॉइन्स। काफ़ी कूल है, राइट? अब तुम सोच रहे होगे कि अचानक से गोल्ड कहाँ चले गया, पेपर मनी कैसे आ गया, गोल्ड का क्या हुआ और ये गोल्ड स्टैंडर्ड रिप्लेस कैसे हुआ। वेल, रुको ज़रा, सब्र करो। अगर आपको अभी तक की इन्फॉर्मेशन माइंड ब्लोइंग और ब्रेथ टेकिंग लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब हम कोई भी नई और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो लेके आएँ तो सबसे पहले आपको पता चले। ओके, सो मूविंग ऑन, कॉइन्स को नोट से रिप्लेस क्यों किया गया, अब हमें ये तो समझ आ गया है, पर इन नोट्स की वैल्यू कैसे आई और क्या ये नोट्स फ्रॉड प्रूफ थे? अनलाइक प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, इन पेपर मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी, पर इसके कुछ फीचर्स इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। हर नोट के बदले आप एक फिक्स्ड अमाउंट की कमोडिटी एक्सचेंज कर सकते हो। इसकी शुरुआत US डॉलर से हुई, जब US गवर्नमेंट ने सारे सेंट्रल बैंक्स को अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ये बोला कि वो US गवर्नमेंट से 1 ounce ऑफ गोल्ड खरीद सकते हैं फॉर $35। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पेपर मनी से एक फिजिकल मेटल को रिडीम किया जा सकता था जिसकी काफ़ी डिमांड थी। पर इसकी वजह से अमेरिका की गोल्ड सप्लाई डिप्लीट होने लगी और तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने ये अग्रीमेंट कैंसिल करवा दिया। इसी स्टैंडर्ड को गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता था एंड वर्ल्ड वॉर टू के अराउंड इसको इन्हीं कारणों की वजह से अबॉलिश करना पड़ा। हम इस सब के बारे में थर्ड एपिसोड में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। सो यू नो व्हाट टू डू, राइट? US डॉलर फियट मनी बन गया और वैल्यू होल्ड करने लगा सिंपली बिकॉज पीपल हैड फेथ दैट अदर पार्टीज विल एक्सेप्ट इट। फियट मनी अपनी वैल्यू उस देश के गवर्नमेंट से डिराइव करता है एंड फ्रॉम द ट्रस्ट ऑफ पीपल विद इन द गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। नो वंडर US एक सुपर पावर बना इसके बाद। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो आप सब जानते हो, पर हिस्ट्री इज ऑल्सो फेमस फॉर इकोनॉमिक एंड करेंसी वॉर्स। ये एक टिट फॉर टैट वाली स्कीम होती थी जहां एक कंट्री दूसरे कंट्री के करेंसी को डीवैल्यू करने की कोशिश करती थी, जो बेसिकली उस कंट्री के फॉरेन ट्रेड्स को बढ़ाने में हेल्प करता था। दुश्मन के गुड्स को महंगा करवाया जाता था जिससे दुश्मन की बाइंग पावर रिड्यूस हो जाती थी एंड इन टर्न उसकी एबिलिटी टू पे फॉर वॉर आल्सो गॉट रिड्यूस्ड। अब आप पूछोगे, ये पैसा आखिर था तो एक कागज़ का टुकड़ा ही ना, इसको फ्रॉड प्रूफ कैसे बनाया गया? ऑन दैट नोट, दुनिया का सबसे पहला फ्रॉड कब हुआ था क्या आपको पता है? वेल, दिस वॉज द फर्स्ट फाइनेंशियल फ्रॉड जिसको डॉक्यूमेंट में रजिस्टर किया गया। तो बच्चों, 300 BC के अराउंड एक ग्रीक मर्चेंट था, उसने एक बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जिसका नाम था बॉटम वी। इस आदमी ने सबसे पैसे इकट्ठा किए और वादा किया कि जब उसके भुट्टों का शिप आ जाएगा तो पैसे लौटा देगा। उसने सबको ये बोला कि अगर वो पैसे देने से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो लेंडर उसके कार्गो को क्लेम कर सकते थे और उस बोट को भी। इस आदमी ने अपने खाली बोट को डुबोने का ही प्लान बना लिया टू कीप द लोन एंड हिज भुट्टास। तेज है काफ़ी, है ना? मगर बेचारा, उसका ये प्लान तो फेल हो गया और उसने खुद को ही डुबा दिया और ये बात सबको पता चल गई। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? यही कि लालच एक काफ़ी बुरी बला है। हमें कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, और ये भी बताओ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो। बंदा स्मार्ट था पर उतना भी नहीं। एनीवेज, कमिंग बैक टू काउंटरफीटिंग ऑफ पेपर, अगर आपको लगता है पेपर मनी काउंटरफीट करना आसान है तो आप गलत हो। उन दिनों पैसा काउंटरफीट करना भी एक काफ़ी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव टास्क हुआ करता था। बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस लगते थे अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू कट डिज़ाइंस बाय हैंड इनटू मेटल प्लेट्स। पर फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिफरेंट कंट्रीज ने अपने बैंक नोट्स को फ्रॉड प्रूफ बनाया। अच्छा बच्चों,
आपने इंडियन रूपी नोट्स पे महात्मा गांधी जी की फोटो तो देखी ही होगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी ही फोटो लगा देते, मगर खैर छोड़ो। इसको वाटरमार्क कहते हैं, जिसमें लाइट और शेड इफेक्ट यूज किया जाता है अलॉन्ग विद सम अदर फीचर्स। ऐसे ही कुछ और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट नोट्स पर, ताकि उनको फोर्ज करना डिफिकल्ट ही नहीं नामुमकिन हो जाए। पर पेपर मनी की भी ना अपनी लिमिटेशंस थी। पहला था सेंट्रलाइजेशन। क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन के टाइम कंट्रीज ने क्या किया? दे बेसिकली इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन इन देयर ओन नेशंस। या दिस इज व्हाट आवर रिएक्शन वाज, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर थे एंड दीज बैंक्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडिंग आउट मनी रिसीट्स और पेपर मनी फॉर द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स दे हैड। द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेपर रिसीट्स मोर देन द अमाउंट ऑफ गोल्ड दे हैड। इससे इनकी करेंसी इन्फ्लेट होने लगी और परचेसिंग पावर बढ़ गई। अब गवर्नमेंट की वेल्थ उसमें रह रहे सिटीजन्स की वेल्थ के बराबर हो गई। ऑल्दो इससे पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, पर जब तक लोग उस पैसे से ट्रेड कर रहे हैं तब तक द गवर्नमेंट कैन यूज़ दैट वेल्थ टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस। वर्ल्ड वॉर वन में इन पैसों से रिसोर्सेज जैसे एम्यूनेशंस, राशन फॉर द सोल्जर्स, मेडिकल सपोर्ट एक्सेट्रा खरीदा गया था। पेपर करेंसी की इश्यूएंस बढ़ती गई एंड द गवर्नमेंट स्टार्टेड बाइंग मोर एंड मोर थिंग्स व्हिच इट कुड नॉट बिफोर। ये मेथड टैक्स कलेक्शन से बेटर था, क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स लेवी किया जाता तो लोग प्रोटेस्ट करने लगते। पर अगर काम इन्फ्लेशन के थ्रू किया जाता है तो सिटीजन्स उतना समझ नहीं पाते एंड इन द मीन टाइम गवर्नमेंट कैन यूज दैट मनी फॉर देयर पर्पस। इस केस में इट वॉज वेरियस वॉर रिसोर्सेज। इसी रीजन की वजह से वर्ल्ड वॉर वन काफी टाइम तक लंबा चला। वैसे तो वर्ल्ड वॉर वन से पहले भी काफी सारे वॉर्स लड़े गए थे, मगर इस वॉर का एजेंडा जियोपॉलिटिकल या ज्योग्राफिक होने से ज्यादा मॉनेटरी था। वॉर एंड होने के बाद जर्मनी की करेंसी की वैल्यू 50% तक डिक्रीज हो चुकी थी। दिस लेड टू द राइज ऑफ व्हाट इज नोन एज मॉनेटरी नेशनलिज्म। इसके बाद गवर्नमेंट स्टार्टेड टू प्लान द मॉनेटरी सिस्टम एंड द राइट ऑफ चूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज टेकन फ्रॉम द पीपल। गवर्नमेंट सप्लाई से लेकर वैल्यू तक सब कुछ डिसाइड करने लगी। तो जब भी कभी कोई मॉनेटरी क्राइसिस आता था, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन ले आती थी रेमेडी की तरह। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस का। इस क्राइसिस के थ्रू इतना तो क्लियर हो गया था कि सेंट्रलाइजेशन सच में नहीं है आगे बढ़ने का रास्ता। 2008 में जब हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ, पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेथड्स। जैसे हमारे टाइम में हम सी शेल्स और रॉक्स के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे थे, ठीक वैसे ही तब आया 2008 में पहला डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट नोन एज बिटकॉइन। हाउएवर इससे पहले भी ढेर सारे अटेम्प्ट्स किए जा चुके थे, बट सब कुछ आज ही समझ लोगे तो फिर आगे क्या समझोगे। मॉनेटरी सेंट्रलाइजेशन के मेजर फेलियर्स, पेपर मनी के और भी फ्लॉज एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट्स का बर्थ, ये सब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। होप कि आप जो डायरी और पेन लेकर बैठे हो वो अभी तक पूरी भर चुकी है विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, और अभी तक थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका होगा कि मनी बिहेव करता कैसे है एंड व्हाई डू वी एक्चुअली नीड इट। नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स लेकर आएंगे दैट लेड टू द बर्थ एंड नीड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट्स। मगर जाने से पहले ना ये ज़रूर ध्यान में रखना कि ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो मैंने बस तुमको पैसा कैसे चलता है और पैसे की हिस्ट्री क्या है ये समझाने के लिए बनाई है। किसी भी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस, तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। इट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड लाइक इट डिड माई माइंड।
Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.